दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के सितंबर महीने की 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन को लोग विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आज के दिन लोग देवताओं के वास्तुकार यानी विश्वकर्मा देव की मूर्ति स्थापित करके उनकी विधि सहित पूजा अर्चना व विश्वकर्मा भगवान की आरती करते हैं तथा अगले ही दिन मूर्ति का विसर्जन करने का विधान है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार संसार की रचना के आरंभ में भगवान विष्णु क्षीर सागर में प्रकट हुए। विष्णु जी के नाभि कमल से चतुर्मुखी ब्रह्मा जी दृष्टगोचर हो रहे थे। दोस्तों, ब्रह्मा के पुत्र धर्म का विवाह वास्तु से हुआ। धर्म के 7 पुत्र हुए। इनके 7वें पुत्र का नाम वास्तु रखा गया, जो शिल्प शास्त्र की कला से परिपूर्ण थे। दोस्तों, वास्तु और अंगिरसी के विवाह के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ, जिनका नाम विश्वकर्मा रखा गया, जो अपने पिता की तरह वास्तुकला के अद्वितीय गुरु बने। दोस्तों, विश्वकर्मा भगवान ने यमपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी, वरुणपुरी, पांडवपुरी, इंद्रपुरी, देवताओं के भव्य महल, आलिशान भवन, सिंहासन, शस्त्र और देवताओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं आदि का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। दोस्तों, एक कथा के अनुसार वित्रासुर के आतंक से परेशान देवताओं के राजा इंद्र के लिए महर्षि दधीच की हड्डियों से बने वज्र का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। इसी वज्र से वित्रासुर और अन्य असुरों का वध संभव हो सका। दोस्तों, इतना ही नहीं, यमराज का कालदंड, श्रीहरि का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल, दानवीर कर्ण के कुंडल आदि सब भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए हैं। यही कारण है कि विश्वकर्मा को देवताओं में शिल्पकार देव माना जाता है। विष्णु पुराण में इन्हें देव बढ़ई कहा गया है। देश के प्रमुख त्योहारों में विश्वकर्मा पूजा भी एक प्रमुख त्योहार है, जो श्रम से जुड़े क्षेत्रों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, विश्वकर्मा जी की पूजा करने से व्यापार में तरक्की होती है। विश्वकर्मा पूजा करने वाले व्यक्ति के घर धन धान्य तथा सुख समृद्धि की भी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए फैक्ट्री, कल कारखानों, हार्डवेयर की दुकानों में मशीनों, औजारों आदि से अपना काम करने वाले लोग विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको विश्वकर्मा भगवान से जुड़ी ढेर सारी बातें बताई, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि एक ही ऐसे भगवान हैं विश्वकर्मा भगवान, जिनकी पूजा हर जाति और हर धर्म के लोग करते हैं, और ये हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, सभी भगवान को लोगों ने बांट लिया है, लेकिन विश्वकर्मा भगवान को नहीं बांट पाए, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान हम सभी के भगवान हैं। विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना हर कोई करता है। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय विश्वकर्मा भगवान जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और दोस्तों, इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।